दाढ़ी की शरी हैसियत क्या है? दाढ़ी की शरी हैसियत यह है कि मुसलमान मर्द के लिए दाढ़ी रखना फर्ज है, कम अज कम इतनी दाढ़ी जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए। सबूत कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 119 वाला आमरनम फलयुगयिरुन खल्कल्लाह, शैतान ने कहा था कि मैं उभारूंगा तेरी मखलूक को, वो तेरी बनाई हुई तखलीक को बदलेंगे। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, औरत को नहीं दी है, तो ये इसलिए दी है कि इसे रखना है। अगर काटना होता तो जिस तरह बाकी चीजों का हुक्म फरमाया तो फरमा देता, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि पांच चीजें फितरत से है, नंबर वन खतना करवाना, नंबर टू मूछों को पस्त करना, नंबर थ्री नाखून काटना, नंबर फोर बगलों के बाल, और नंबर फाइव जेरे नाफ बाल जो जवान बच्चों के निकल आते हैं उनको काटना, और वो भी सही मुस्लिम है 40 दिन में एक दफा आपने काटने। तो जो काटने का हुक्म था वो बता दिया, जो रखने का हुक्म था उसके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस आ गई कि नबी सलाम ने फरमाया कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मुछे पस करो, यहूद नसारा की मुखालफत करो, और दाढ़ी इतनी जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए वो रखना तो फर्ज है, जिसने शायद अफरीदी साहब ने रखी हुई है, और एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी पूरी जिंदगी दाढ़ी नहीं काटी, आपकी दाढ़ी नेचुरली मुट्ठी थी, और सहाबा इकराम भी जिनकी दाढ़ियां मुट्ठी से ज्यादा थी उन्होंने काटी हैं, लेकिन वो मुट्ठी तक काटी हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में आया सही बुखारी में, मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे हज और उमरे पे, और अबू दाऊद के अंदर आया कि मुतलकन काटते थे। दो काम करते थे, इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ते थे, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله। ये आधी हदीस वाले हदीस ने ली हुई है, आगे लिखा है कि और मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। वो कहते हैं नहीं, बुखारी में जो लिखा है ना मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे वो हज उमरे पे है ना सरकार, वो बढ़ाई उन्होंने उस वक्त होती थी, क्योंकि अल-मुत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि जिस साल अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज करना होता था उस साल रमजान के बाद दाढ़ी काटना छोड़ देते थे ताकि हज के दिनों तक वो थोड़ी लंबी हो जाए मुट्ठी से, और जब हज आता था ना फिर वो मुट्ठी के बाद वाली काट। मैंने कभी नहीं काटी है ना, समझो मैं वो अपनी लाइन से दिखा रहा हूं, मेरे अभी भी बाल मुट्ठी से ज्यादा है कई एक, लेकिन चूंकि मेरी दाढ़ी शुरू से मैंने काटी कभी नहीं है ना कभी शेव की है, तो ज्यादातर लोगों की दाढ़ी इतनी ही रहती है, बहुत कम लोग हैं वो हारमोन्स का इशू हो तो वो ज्यादा बढ़ जाती है, अदरवाइज दाढ़ी मर्द की जीनत है। और सरकार आप तो सारे जितने आपके हीरो हैं उन्होंने दाढ़ियां रखी हुई है छोटी छोटी, ये तो एक, और देखे खर्चा कितना बचाती है दाढ़ियां, शेव से जान छूट गई और चेहरे के जो ये दाने हैं ये ड्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और सबसे बढ़ के कि ये अल्लाह का हुक्म है सूरह निसा के तहत, बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म, और फिर जो बुखारी मुस्लिम में पांच चीजें फितरत से बताई गई ना, मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है जिसमें 10 चीजें फितरत से है, उसमें मिसवाक करना भी है और उसमें दाढ़ी बढ़ाना भी है। ये मैं गांधी साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं ना, वो कहते हैं जी वो दीन इस्लाम दीन फितरत है, तो फितरत में तो फितरत के अल्फाज है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि दाढ़ी रखना फितरत में, फितरत ही है ना सरकार, औरत की क्यों नहीं दाढ़ी निकली भी, औरत की निकले तो उसके ऊपर काटना जरूरी है क्योंकि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, उसने नहीं मुशाबियत इख्तियार करनी, क्योंकि बुखारी में हदीस है उन मर्दों पर लानत जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करते हैं, तो जो मर्द इस तरह की मुशाबियत इख्तियार कर रहे हैं लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, और उन औरतों पर लानत जो मर्दों की मुशाबियत करती हैं।